चुनाव काम उसकी जगह से हटा दूंगा। और ये मैं समझता हूं कि कलीसिया के लिए भी ये है, बड़े सारे ऐसे बहन भाई इसमें से आप में से बैठे होंगे जिन्होंने बड़ी दफा कलाम सुना और जब वो शुरू शुरू में मसीह के पास आए हैं तो बड़ी गैर जुबान और बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ मसीह के साथ बातचीत करते थे, दुआ में टाइम गुजारते थे, लेकिन अब मोहब्बत आस्ता 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 ठंडी पड़ गई है। यीशु कहता है मैंने रुपया पैसों की भी जरूरत है आए चर्च, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि मेरे साथ वक्त गुजारो, मुझे अपना पर्सनल वक्त दे। यकीन जाने पीछे हमारे खजांची साहब बशर साहब बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। मैं इनको बकायदा कहता होता हूँ जो शख्स मसीह के साथ सहित ना हमारे चर्च में चल रहा मैं आपको मना कर देता हूँ, मुझे आपके हाथी की जरूरत नहीं और मुझे अपने चंदे की भी जरूरत नहीं, अपना चंदा अपने पास रखें। यीशु के नाम सही तरीके से चलोगे चर्च आओगे चंदा दबो आ, क्योंकि हम पास्टर जितने भी हैं ना हमें सब साफ देना पड़ना आसमान पर जाके। और ये बड़ी जरूरी बात है कि आज हमें सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लोगों को समझानी है कलीसियाओं के अंदर। और आगे लिखा है वार्निंग के बाद जो है लिखा है यीशु मसीह फिर कोई तारीफ ही कर देता है, लिखा है अलबत्ता तुझमें ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है जिनसे मैं भी नफरत रही। यीशु मसीह बड़ी परेड कूद करके तारीफ करके यीशु मसीह ने काफ़ी ज़्यादा परेड करके फिर यीशु मसीह कहता है तारीफ करता है कि मुझे पता है कि तू निकलियों के सॉरी काम कर जो है उनसे नफरत रखता है, यानी ये कि ये बिदत थी जो चर्च में जो है वो किसी ना किसी ताल्लुक से वो खराब पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। और ये चर्च जो था ये अच्छा चर्च था, लेकिन इससे सिर्फ छोटी सी बात थी मसीह की मोहब्बत इनके अंदर से चली गई थी। तो आज मैं समझता हूँ इस कलीसिया के लिए आज का खूबसूरत पैगाम है कि अगर हम फल लाना चाहते हैं कुछ की सोनी ऊपर समान पर, अगर हम फल लाना चाहते हैं उसके लिए हमें मसीह में कायम रहने की जरूरत है। और कायम जो है मैंने शुरू में कहा हम अपने काम का जो नहीं हो सकते, अगर हम किसी की मदद भी आज कर देंगे ना वो तो अच्छी बात है, मसीह ने कहा तो मदद करनी चाहिए, लेकिन कायम रहना सिर्फ मसीह के साथ फेलोशिप के अंदर है। मसीह को टाइम देंगे तो फिर आपकी पहले जैसी मोहब्बत जो है वो दोबारा हो जाएगी। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, मैं चाहूंगा कि आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा आज। मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप एक मिनट के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। आई चांस उनके लिए हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और सब रूह कुछ से भर जाएंगे दुआ करेंगे सर। सब दुआ करेंगे खुदावंत की शुक्रगुजारी करें सर। अपने आप को शहीदवानी के लिए भी तैयार करें, आज आप यीशु मसीह के खून और गोश में शामिल होने वाले हैं। हैलेलुया आसमानी खुदा हम आज दोपहर तेरे पास आते हैं खुदावंत, तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंत तेरे लोगों पर आज दोपहर तेरी बरकत आ जाए, रूह कुछ की कुदरत काम करनी शुरू कर दे और अब्दीज के सारे बयान आज दोपहर यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए। खुदावंत तेरी मिन्नत करता हूँ आज इन लोगों को बरकत दे खुदावंत, खुदावंत मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ये तुझ में कायम रहे खुदावंत और बहुत सफल खुदावंत तेरे खजूरी में लेकर आए खुदावंत, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अब्लीस के सारे प्लान्स को जो खुदावंत यीशु मसीह के खिलाफ है यीशु मसीह के नाम से कैंसिल और तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंत जो खुदावंत इस चर्च के साथ मीट है हम ऊपर भी तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, तुझे तो तशरीफ रख सकते हैं। हम अपने आप को आज शरीयत के लिए तैयार हमारे सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई इसराइल पीछे बैठे हैं वो जरूर सामने आए क्वायर में आए हैं।